मैं खुद तो नहीं बन सका प्लेयर, क्रिकेट का शौक़ था, लेकिन मैंने खुद देखा है मीर राजा साहब, मिसबल हक, उसके बाद बाबर है, शीनशाह अफरीदी है, वसीम अकरम है, ये सब मेरी बनाई हुई पिचों पे खेले हैं। मेरा नाम बैतुल्ला है जी, मैं ज़िला कसूर तहसील चूनिया के रहने वाला, तो काफ़ी मैं 1996 तो इतने काम कर रहा, ग्राउंडमैन से उस तो बाद हेड क्रिएटर बना, 2 साल हो गए मुझे और कज़ाफी स्टेडियम में काम कर रहा। गांव में रहते थे और काम का ही करते थे, मिट्टी में मिट्टी नाल बहुत प्यार सी, तो क्रिकेट नाल भी बड़ा एक शौक सी। जो साड़ा मेन स्केयर 16 पिचे हैं, एक पिच को बनने के लिए कम से कम 6 माह लगते हैं। उसमें सबसे पहले खुदाई होती है, 14 इंच की खुदाई करते हैं, उसके बाद इसमें रेत डालते हैं, बजरी डालते हैं, बजरी के बाद फिर नंदीपुर से मिट्टी मंगवा कर वो इसमें डालते हैं। इस दफ़ा असं खुद नंदीपुर गए हैं और नंदीपुर से खुद मिट्टी लेकर आए हैं। साड़ी कोल जी हर तरह की मशीन है, 2 मशीनें घास कटन के लिए, रैकिंग मशीन है, स्पैकिंग मशीन है, पिचों के लिए स्कैरीफाइश मशीन है, ग्राउंड के लिए स्कैरीफाइश मशीन है, और सुपर सापर है जो ग्राउंड को खुश करने के लिए। सब तो हार्ड वर्क ग्राउंड स्टाफ का काम है, सर्दी होवे, गर्मी होवे, बारिश हो, जो भी सीजन हो, ग्राउंडमैन का काम है 24 घंटे 100% काम करना। सब प्यार करते हैं, वसीम अकरम भी आते रहे हैं, निस्बा भी आते रहे हैं, शाह मलिक आते रहे हैं, सब प्लेयर जो भी प्लेयर इधर आते हैं सब प्यार करते हैं। मैं खुद तो नहीं बन सका प्लेयर, क्रिकेट का शौक़ था, लेकिन मैंने खुद देखा है मीर राजा साहब, मिसबल हक, उसके बाद बाबर है, शीनशाह अफरीदी है, वसीम अकरम है, ये सब मेरी बनाई हुई पिचों पे खेले हैं।